हाय एवरीवन, मैं कुलविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपके सामने मैं चैप्टर लेके आया हूँ इश्यू डिबेंचर वेंडर सीरीज का वॉल्यूम 5, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। वक्त ना लेते हुए ज्यादा सीधा क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। आइए, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 8,40,000 एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 80,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 7,20,000। एक्स लिमिटेड इशूड 7% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 पर डिबेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज प्राइस। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, चलिए हम जनरल एंट्री बनाते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले आपने क्या खरीदा इसमें? एसेट्स। नाम नहीं दिया कौन सा एसेट है, तो आप क्या लिख सकते हैं? सन्ड्री एसेट। चलिए स्क्रीन पे हम क्या लिख रहे हैं? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड रुपीज 8,40,000। टुक ओवर लाइबिलिटीज है, नाम नहीं लिखा तो हम क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री लाइबिलिटीज रुपीज 80,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 7,20,000। आर डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ये जो 7,20,000 है ये आपने किसको पे करना है? वेंडर को। इसमें वेंडर का नाम नहीं दिया तो हम क्या मेंशन करेंगे? टू वेंडर अकाउंट। कितना अमाउंट देंगे आप? 7,20,000, राइट। अब आप देखिए डिफरेंस किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। अगर वेंडर बेस्ड एंट्री में डिफरेंस क्रेडिट साइड आए तो आप जानते हैं किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिजर्व। एक नियम बहुत क्लियर रख लीजिए, पहले मैं वैल्यू कैपिटल रिजर्व के डाल दूं रुपीज 40,000। क्लियर हो गया पॉइंट? एक नियम बहुत क्लियर है, डिफरेंस क्रेडिट साइड आए तो किसको रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल रिजर्व। डेबिट साइड आए तो किसको रिकॉर्ड करेंगे? गुडविल। अगर वेंडर बेस्ड है तो, आई रिपीट, वेंडर बेस्ड में डिफरेंस क्रेडिट साइड जैसे इस क्वेश्चन में आया, फिर से एक बार दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लें। रुपीज 8,40,000 आपका डेबिट है और क्रेडिट साइड पे अमाउंट कितना है? 80,000 लाइबिलिटी के नाम पर, वेंडर के नाम पर 720 है, तो रिमेनिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? आउट ऑफ 840, 8 लाख माइनस कर लीजिए, डिफरेंस आपका कितना आ गया? कैपिटल रिजर्व 40,000। क्लियर है? फिर से देख लें, डिफरेंस ऑफकोर्स कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड। अगर हम डिबेंचर की एंट्री डालते हैं तो डेबिट साइड डिफरेंस डिस्काउंट कहलाएगा, क्रेडिट साइड डिफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वेंडर के केस में डिफरेंस डेबिट साइड गुडविल और क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व, डिस्काउंट के केस में डिफरेंस डेबिट साइड डिस्काउंट, क्रेडिट साइड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस इतनी सी बात समझाने के लिए ये वेंडर की सीरीज बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। वेंडर अकाउंट डेबिट कितना हमने देना है? 7,20,000। स्क्रीन पे पढ़िए कैसे दिया आपने। ओके, 7% डिबेंचर आपने इशू किए हैं एट सिक्योरिटी प्रीमियम, नेचुरली एट अ 20 रुपी प्रीमियम है तो हम क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर से वही खूबसूरत खेल होने वाला आपका मेल नंबर और रेट का। आइए फॉर्मूला सामने ले आए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, वेंडर अमाउंट अपॉन नेट प्राइस ऑफ डिबेंचर इशूड। चलिए हमने वेंडर को कुल कितना देना है? 7,20,000। फेस वैल्यू लिखेंगे 100। कैसे दिया हमने? प्रीमियम पे। प्रीमियम क्या करेंगे आप? 100 रुपी में प्लस हमने किया। नंबर आए कितने? 6,000। उम्मीद यहां तक क्लियर। अब नंबर आगे आगे क्या रह गया? रेट रह गया। चलिए 6,000 डिबेंचर का फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लीकेशन होता है, आप जानते हैं 6,000 इंटू 100 कितना अमाउंट आएगा? 6 लाख। ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पर शेयर? 20। तो नंबर है 6,000 एट द रेट 20, वैल्यू क्या बन जाएगी? 1,20,000। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आपके एग्जाम या तो चल रहे होंगे या आने वाले होंगे, इन दोनों ही अवसरों के ऊपर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ तो मुझे बेहद खुशी महसूस होती है। यकीन मानिए कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बस हौसला मेरा बढ़ाते रहिए और किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचाते रहे। याद रखिए, वीडियो पहुँचाने में कोई खर्चा नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपसे लौट के मिलूँगा एक नए वेंडर सीरीज़ के साथ, जल्दी ही आपके सामने फिर पेश करता हूँ। तब तक के लिए खटाक।